Hello everyone. Today I would like to discuss here the blood circulatory system present in the cockroach. So, आज की इस टॉपिक में हम how the blood circulation it occurs and which components it involves into the blood circulatory system of the cockroach. तो ये आज हमें पढ़ना है. So, in this lecture I would like to discuss here the blood circulatory system in the cockroach. So, ये जो blood circulatory system है तो सबसे पहले हम इसका इम्पोर्टेंस जो है वो देखेंगे कि व्हाई द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स बॉडी. ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है इसका इम्पोर्टेंस जो है सो व्हेन हम इनहेलेशन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द ऑक्सीजन इट एंटर्स इन टू द लंग्स. जब हम इनहेलेशन करते हैं तो थ्रू अवर नोज the oxygen it enters into the lungs and from the lungs it enters into the heart. ये जो oxygen है वो lungs में जाता है during the course of inhalation, वहां से वो heart में जाता है. Then here this oxygen it mix with the blood and this blood become the oxygenated blood. This oxygenated blood then it goes to the different parts of the body. ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे ईच एंड एवरी टिश्यूज ईच एंड एवरी सेल्स ईच एंड एवरी ऑर्गन वाइटल ऑर्गन्स एंड ऑल द ऑर्गन. सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. सो हार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ पंपिंग ऑर्गन ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. That is the due to contraction and relaxation activity of the heart. This oxygenated blood it reaches to the different parts of the body. हमारे जो different parts हैं, like हमारा जो heart है present है यहाँ पे in the thoracic cavity, slightly towards the left sides in the media sternum. So in between the fourth and the fifth rib, ये जो हमारा heart present है, तो यहाँ से हमारा जो nervous system है, वहाँ पे nervous system की तरफ भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी. अगेंस्ट द ग्रेविटी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है. तो ये जो इम्पोर्टेंस है वो ड्यू टू द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ये इट इज पॉसिबल ड्यू टू द हार्ट. ये हार्ट की वजह से पॉसिबल है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो ब्लड है हमारा जो हार्ट है यहाँ से नर्वस सिस्टम और ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी ये पहुंचता है. तो ये हमें समझ में आ गया कि ब्लड का काम क्या है टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. सो ब्लड को कहा गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो ब्लड इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. ये तो हो गया ऑक्सीजन के रिलेशन में. व्हेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन मींस आफ्टर द डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम इट वर्क्स दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इट कैरीड आउट द डाइजेशन and these digested materials means essential materials or the digested nutrients it mix into the blood. ये जो after the digestion जो essential components है वो absorbs की जाती है blood में and these all the essential components it mix into the blood and it goes to the different parts of our body. तो ये जो blood है ये तो oxygen तो carry कर ही रहा है उसके साथ आफ्टर द डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसका काम जो करने के बाद जो एसेंशियल घटक होते हैं ऑल द फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड में मिक्स होने के बाद सभी ऑर्गन की तरफ वो ब्लड कैरी करेगा. अलोंग विद दिस जो ग्लैंड्स होते हैं दिस ग्लैंड्स इट सेक्रेट्स द हार्मोन दिस ग्लैंड्स इट सेक्रेट्स द हार्मोन्स दिस हार्मोन्स ऑल्सो मिक्स विद द ब्लड. नाउ दिस ब्लड it carries oxygen, it carries the nutrients as well as it carries the hormones. अब जो blood है वो oxygen भी carry करता है, nutrients भी carry कर रहा है और hormones भी carry कर रहा है. Hormones it controls the various metabolic activities. हमारे body में जो अलग अलग metabolic activities होती है वो metabolic activities control करने का काम कौन ये हमारे hormones करते हैं. तो ये जो blood है ये जब circulate होता है हमारे body में तो ये oxygen भी टारगेट ऑर्गन की तरफ लेके जा रहा है न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए गए हैं ब्लड में उसको भी वो कैरी कर रहा है टारगेट ऑर्गन की तरफ
एज वेल एज जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स को भी टारगेट ऑर्गन की तरफ वो कैरी कर रहा है। सो ये इंडिकेट करता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एसेंशियल कंपोनेंट्स टारगेट ऑर्गन की तरफ, टिश्यूज की तरफ, सेल्स की तरफ जाने के बाद, इन द सेल्स, ये सब सेल्स में जाने के बाद सेल्स में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो आउटपुट होता है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। सो दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इट मस्ट नॉट स्टोर इन टू अवर बॉडी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये हैजर्डस है हमारे बॉडी के लिए। सो ये मिक्स हो जाते हैं ब्लड में। सो वेन्स, दिस वेन्स दे कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड इट देन अगेन कैरी टूवर्ड्स द हार्ट, एंड फ्रॉम द हार्ट दिस ब्लड गोज टू द लंग्स, एंड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट गोज आउटसाइड टू अवर बॉडी। सो इनहेलेशन के वक्त ऑक्सीजन आ रहा है, एक्सहेलेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और ये सब प्रोसेस जो है वो कनेक्शन का काम वाया द ब्लड एंड वाइटल ऑर्गन जो है हार्ट, उसके पंपिंग एक्टिविटी से हो रहा है। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी ब्लड में मिक्स होने के बाद ये किडनी की तरफ ले जाता है। सो इट गोज टू द किडनी एंड देन इट गोज टू द किडनी, किडनी कैरी आउट द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, एंड वाया द यूरिन दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट इट इज देन रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। सो दिस इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिमल्स। नाउ हमने अभी जो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्चुअली द मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स दैट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, हम जो इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है कॉकरोच के बारे में वो देख लेंगे। कॉकरोच इट कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच का जो फाइलम होता है वो है आर्थ्रोपोडा। व्हाई इट कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसका मीनिंग है जॉइंटेड अपेंडेजेस। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस मीन्स हियर व्हाट, जॉइंटेड अपेंडेजेस मीन्स देयर लेग्स हैविंग द जॉइंट्स, the legs of the cockroach it having the joints, so it comes under the jointed appendages, okay। so in iska jo phylum hai cockroach ka wo hai arthropoda। the class of this cockroach it is the insecta, the class of cockroach it is the insecta। why it comes under the class insecta, because it having the three pairs of the legs and two pairs of the wings, as it having the two pairs of the wings and the three pairs of the legs, so it comes under the class insecta। generally hamare india mein three common species of the cockroach they observe, like here the periplaneta americana, then blatta orientalis, then Bata germanica। so here the periplaneta americana, Blatta orientalis and the Blatta germanica, these are the three common species which are normally occurs in, commonly occurs in our India। then iski length ke bare mein, so length of the cockroach is 0.6 cm to 7.6 cm, इसकी जो लेंथ है वो नियर अबाउट 0.6 cm से 7.6 cm इसकी जो है वो लेंथ होती है। मोस्टली कॉकरोच जो है ब्लैकिश एंड ब्राउन कलर ऑफ द कॉकरोच इट ऑकर्स इन द इंडिया, ब्लैकिश एंड ब्राउन कलर के कॉकरोच जो है इंडिया में ऑब्जर्व किए गए हैं। येलो कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर के भी कॉकरोच होते हैं, लेकिन वो ट्रॉपिकल रीजन में ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन द सेंट्रल अमेरिका, इन द सेंट्रल अमेरिका द रेड कलर, येलो कलर और द ग्रीन कलर ऑफ द कॉकरोच दे ऑब्जर्व।
The blood circulatory system of the cockroach mainly consists of two important factors, that is heart and blood. The blood of cockroach, it is also called as the hemolymph. The blood of cockroach is also called as the hemolymph. The meaning of the hemolymph means here, the hemo means here the blood, and the lymph means it contains the plasma as well as it contains the blood cells. This hemolymph, it contains the plasma and the blood cells. This plasma, it contains the water. The plasma of the cockroach, it contains the water, some dissolved organic and inorganic components, as well as it contains the nitrogenous waste like the uric acid. So this plasma, which is part of the blood, it contains the water, it contains the dissolved organic and inorganic component, as well as it contains the uric acid as a nitrogenous waste. Saathi mein, is blood mein blood cells present hote hain. Mainly the 7 different types of the blood cells, it is present in the blood of this cockroach. 7 different types of the blood cells, it is present into the blood of the cockroach. Near about 30,000 blood cells, they are present per cubic mm. 30,000 blood cells, they are present per cubic mm in the, here the blood circulatory system is the in the blood of the cockroach. So this is about the blood of the cockroach. Now towards the heart. So heart of the cockroach, it is of the 13 chamber. It is of 13 chamber. हमारे बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स में 4 चैंबर्स का हार्ट होता है. अपर इट इज कॉल्ड एज द अपर टू इट इज कॉल्ड एज द एट्रियम एंड लोअर टू इट इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकल. हियर द कॉकरोच इट हैविंग द 13 चैंबर ऑफ द हार्ट. ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है कॉकरोच में उसे ह्यूमोसिट्स कहा जाता है. द कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द कॉकरोच, the cavity which is present into the cockroach, this is called as the hemocells. And this hemocells, it contains the this blood circulatory system, that is the heart and the blood. So ये जो cavity है, this cavity में heart भी present है और blood भी present है. और this cavity को कहा जाएगा hemocells. Okay? Now here in the cockroach, it having the different body parts. This having the two diaphragms. It having the two parts. This head portion, it is the anterior. Okay, anterior region. At the anterior region, head portion it is present. At the anterior region, the head portion of the cockroach is present. Here, this is called as the thorax region. Middle portion is called as thorax region, and here the lateral terminal portion is called as the abdomen. It is called as the abdomen. So cockroach having the head at the anterior region, then the thorax at the middle piece, and at the last, that is the abdominal portion. This region is called as the posterior region. This is called as the posterior region. So कॉकरोच को तीन मेन पार्ट्स में जो है उसका डिवीजन किया है. फर्स्ट जो है हेड है, सेकंड है थोरैक्स, एंड देन है एब्डोमेन. जो हेड रीजन होता है उसे हम एंटीरियर रीजन कहते हैं. जो लास्ट का टर्मिनल पोर्शन होता है उसे हम पोस्टर रीजन कहते हैं. जो पीछे का पार्ट होता है उसे हम डॉर्सल रीजन कहते हैं. सो दिस इज द डॉर्सल पोर्शन. एंड जो सामने का पोर्शन होता है उसे हम वेंट्रल पोर्शन कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द वेंट्रल रीजन. नाउ जो कैविटी प्रेजेंट है, ये जो डॉर्सल साइड को जो कैविटी प्रेजेंट है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस. पेरिकार्डियल साइनस. सो दिस इज द पेरिकार्डियल साइनस. दिस कैविटी, ये जो कैविटी डॉर्सल साइड को प्रेजेंट है उसे कहा गया है पेरिकार्डियल साइनस. जो कैविटी सेंट्रल पोजिशन को है, जो मिडल पोजिशन को है, उसे कहा गया है पेरी विसरल
पेरिविसरल साइनस। सो जो कैविटी है जो मिडल पोजीशन को है उसे कहा गया है पेरिविसरल साइनस, और जो कैविटी वेंट्रल साइड को प्रेजेंट है, वेंट्रल रीजन को जो कैविटी प्रेजेंट है उसे कहा गया है पेरी न्यूरल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट कैविटी थी, जो कंप्लीट कैविटी थी उसे हमने हिमोसील कहा था। हिमोसील मीन्स द कैविटी विच कंटेन द दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये जो डॉर्सल साइड को है उस कैविटी को, विच रीजन को हमने कहा है पेरिकार्डियल साइनस, जो मिडल पोर्शन को है उसे हमने कहा है पेरिविसरल साइनस, और जो वेंट्रल रीजन को होता है उसे कहा गया है पेरी न्यूरल साइनस। अब इसे पेरिकार्डियल साइनस कहने का जो रीजन है, बिकॉज इसका जो रीजन है कि इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट इट इज ऑफ द 13th चैम्बर। सो हियर द फर्स्ट, देन हियर इज द सेकंड, देन हियर इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवंथ, लाइकवाइज हियर द 13th पोर्शन इट इज प्रेजेंट। सो हार्ट के कुल मिला के टोटल 13 चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, लाइकवाइज 13th नंबर ऑफ द चैम्बर इट इज प्रेजेंट हियर। सो ये जो 13 चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसमें से 3 चैम्बर जो प्रेजेंट होते हैं, 3 चैम्बर विच इज प्रेजेंट इन द थोरेसिस रीजन, एंड रिमेनिंग 10 चैम्बर इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन। तो ये जो 13 चैम्बर का हार्ट होता है उसमें से 3 चैम्बर है वो थोरेसिस रीजन में प्रेजेंट है, रिमेनिंग 10 चैम्बर है वो एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है। अब जो 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट होता है प्रोथोरैक्स रीजन में, प्रोथोरैक्स फर्स्ट जो प्रेजेंट है वो प्रोथोरैक्स रीजन में। थोरैक्स के भी 3 पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। सो दिस इज द प्रोथोरैक्स, दिस इज द मेसोथोरैक्स, एंड हियर इट इज द मेटाथोरैक्स। सो थोरैसिस रीजन हैविंग द 3 पार्ट्स, जो इनिशियल पार्ट होता है एंटीरियर रीजन की तरफ, वो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे प्रोथोरैक्स कहा गया है, जो मिडल का है उसे मेसोथोरैक्स कहा गया है, और जो लास्ट का है उसे मेटाथोरैक्स कहा गया है। दिस पेरिविसरल साइनस इट कंटेन्स द ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैलेंडर रिप्रोड्यूस सिस्टम। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल इट प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एज वेल एज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द, दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेरिविसरल साइनस। तो हमने कहा है ये पेरिकार्डियल साइनस, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ये जो पेरी विसरल साइनस होती है यानी मिडल पोर्शन जो है वहां पे एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जो वेंट्रल साइड की तरफ जो पेरी न्यूरल साइनस होती है वहां पे प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड, वहां पे प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड। सो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है इस कॉकरोच की, विच इट इज प्रेजेंट इन द पेरी न्यूरल साइनस रीजन। सो दिस इज द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वो पेरी न्यूरल साइनस इस रीजन में प्रेजेंट होता है। नाउ हियर द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, जो कॉकरोच में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है वो हमें अभी पढ़ना है। दिस इज द हेड रीजन, देन हियर इट इज द डॉर्सल पार्ट, एंड हियर इट इज द वेंट्रल पार्ट। नाउ हियर द डायफ्राम इट इज प्रेजेंट, दिस इज द डायफ्राम, दैट डायफ्राम इट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल डायफ्राम, एंड इस रीजन को कहा गया है वेंट्रल डायफ्राम। सो दिस इज द डॉर्सल डायफ्राम रीजन एंड दिस इज द वेंट्रल डायफ्राम रीजन। जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो इस स्पेस में प्रेजेंट है, उस स्पेस को हमने कहा है पेरिकार्डियल साइनस। सो इन दिस पेरिकार्डियल साइनस 13 चैम्बर ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट,
9th, 10th, 11th, 12th, and the 13th. So this 13th chamber of the heart is positioned to the pericardial space. This heart, it is surrounded by the muscles. That muscle is called the LLE muscles. ये जो यहां से मसल्स निकलते हैं, इज मसल्स ट्रायंगुलर इन शेप. सो दिस मसल्स एट वन साइड दे आर अटैच्ड टू द दिस लोकेशन दैट इज कॉल्ड एज द टर्गम. दिस इज कॉल्ड एज द टर्गम. ये जो पोर्शन होता है इसे कहा गया है टर्गम. और जो वेंट्रल साइड की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसे कहा है स्टर्नम. उसे कहा है स्टर्नम. वेंट्रल साइड की तरफ जो प्रेजेंट है उसे स्टर्नम कहा गया है. जो डॉर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट है उसे टर्गम कहा गया है. और जो एलरी मसल्स होते हैं, दिस आर द एलरी मसल्स. दिस एलरी मसल्स दे आर अटैच टू द टर्गम एंड अटैच टू द हार्ट. ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलरी मसल्स देर ऑफर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन फिनोमिनन ऑफ द हार्ट. वो हमें देखना है कि ये किस तरह जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करते हैं ब्लड सर्कुलेशन का. तो इसमें वाल्व का भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ. अब इस हार्ट में हम वाल्व का स्टडी करेंगे कि वाल्व कहाँ प्रेजेंट होती है, उसकी पोजिशन है वो कहाँ पे होती है, और उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मैकेनिज्म में हमें स्टडी करना है. सो दिस इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट. देन हियर इज द सेकंड चैम्बर. देन हियर इज द थर्ड. देन हियर इज द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. एंड इन दिस वे सपोज हियर इट इज द 13th चैम्बर. सो कंसिडर करो कि ये फर्स्ट चैम्बर से 13th चैम्बर है हार्ट के. और here at this location some walls are present. जो walls यहाँ पे present होता है उस wall को कहा गया है auricular wall. जिस wall को कहा गया है auricular wall. और जो wall यहाँ पे present होते हैं उस wall को कहा गया है ventricular wall. ventricular wall. So it is the auricular wall and it is the ventricular wall. ये जो gap present होती है उसे कहा गया है ustia. So here it is the ustia. It is present this ustia or this fossa. It is nothing but the pore like portion which is present to the lateral side. ये जो lateral side में जो pore like portion present होता है उसे ustia कहा गया है. और इसके surrounding में हमने कहा था कि ये पेरिकार्डियल स्पेस है. हमने यहां पे दिखाया था दिस वन. सो यहां पे हार्ट का लोकेशन प्रेजेंट है दिस वन. एंड दिस स्पेस जो है दिस स्पेस को हमने कहा था पेरिकार्डियल स्पेस. तो ये पेरिकार्डियल स्पेस है और पेरिकार्डियल साइनस कहेंगे हम. सो ये पेरिकार्डियल साइनस है यहां पे और यहां पे. इसमें भी ब्लड प्रेजेंट होता है. अब इसके साइड में जो अटैच है वो है मसल्स. दिस मसल्स को कहा गया है एलरी मसल्स. अभी जब ये ऑरिकुलर वॉल्स जो है ओपन हो जाते हैं, देन द ऑरिकुलर वॉल्स गेट ओपन, देन दिस वेंट्रिकुलर वॉल गेट क्लोज. जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो क्लोज हो गए. दिस वेंट्रिकुलर वॉल इट गेट्स क्लोज. सो जब ऑरिकुलर वॉल ओपन हो जाते हैं, देन ऑरिकुलर वॉल इट गेट्स ओपन, दिस वेंट्रिकुलर वॉल इट गेट्स क्लोज. And the blood it enters from the this pericardial sinus into the heart. So जब auricular wall open हो जाते हैं तब ventricular wall जो है वो close हो जाते हैं और जो blood होता है इस pericinus space में तो वो entry करता है chamber में through the ostia. This pores that is the ostia. अब जब वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाते हैं तब क्या होता है इसके अगेंस्ट. जब वेंट्रिकुलर वॉल्व दिस वेंट्रिकुलर वॉल्व इट गेट्स ओपन अप, दिस वेंट्रिकुलर वॉल्व इट गेट्स ओपन अप एंड दिस ऑरिकुलर वॉल्व इट गेट्स क्लोज्ड. सो जब वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ऑरिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं
तो ब्लड जो प्रेजेंट होता है इस चैम्बर से इस चैम्बर में आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे फिनोमिनन होता है दिस ऑरिकुलर वॉल इट गेट्स क्लोज एंड दिस वेंट्रिकुलर वॉल इट गेट्स ओपन अप। सो फ्रॉम दिस चैम्बर ब्लड एंटर्स इनटू दिस वन, फ्रॉम दिस चैम्बर इट एंटर्स इनटू दिस वन। सिमिलरली फ्रॉम पोस्टीरियर रीजन टू द एंटीरियर रीजन जो ब्लड का है वो फ्लो होता है। सो ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन टू द एंटीरियर रीजन। अब ब्लड का फ्लो जब पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन में हुआ सो ब्लड इट इज देन एंटर इनटू द हेड। यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होती है उस स्पेस को कहा गया है हेड साइनस। सो हेड साइनस इट इज द स्पेस प्रेजेंट इनटू द हेड रीजन। यहाँ पे जो ब्लड है एंट्री की यहाँ पे हेड रीजन में, हेड रीजन से ये जो ब्लड है वो अभी जा रहा है इनटू द पेरीवेंट्रल साइनस में, सॉरी पेरी न्यूरल साइनस में। सो ब्लड गया अभी पेरी न्यूरल साइनस इस लोकेशन को, वहां से ये जो ब्लड है इट एंटर्स इनटू द पेरी विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस। फ्रॉम द पेरी विसरल साइनस अगेन ब्लड्स इट एंटर इनटू द पेरिकार्डियल साइनस, इट एंटर इनटू द पेरिकार्डियल साइनस। एंड पेरिकार्डियल साइनस में जब एंटर हुआ सो अगेन जब वॉल ऑरिकुलर वॉल ओपन हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाएंगे, तो यहां से ये जो ब्लड है अगेन एंटर करेगा चैम्बर में। और जब ऑरिकुलर वॉल क्लोज हो जाएंगे और वेंट्रिकुलर वॉल ओपन हो जाएंगे तो ये ब्लड जो है ये चैम्बर से इस चैम्बर में जाएगा, इस चैम्बर से नेक्स्ट चैम्बर में, और इस तरह वो ऊपर जो है वो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। यहाँ पर जो पोर्शन होता है उसे कहा गया है एओर्टा, दिस इज कॉल्ड एज द एओर्टा, यानी एओर्टा पोर्शन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसका जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है उसे हमने यानी एओर्टा कहा गया है। सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इट इज ऑपरेट द कॉकरोच। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब एलरी मसल्स कॉन्टैक्ट होते हैं, जब एलरी मसल्स कॉन्टैक्ट होते हैं तो हार्ट रिलैक्स होता है। अब जब एलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स व्हेन एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हार्ट रिलैक्स, व्हेन एलरी मसल्स रिलैक्स देन हार्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन इट इज अपर्स। ओके, नाउ अबाउट द कलर ऑफ द ब्लड ऑफ द कॉकरोच। एज यू नो दैट ह्यूमन बींग्स हैविंग द रेड कलर ऑफ द ब्लड, रेड कलर ऑफ ब्लड। सो रेड कलर ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन। हमारे हीमोग्लोबिन में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज द आयरन, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन द कलर ऑफ द ब्लड इट इज द रेड। इन केस ऑफ सम एक्वाटिक एनिमल्स लाइक द ऑक्टोपस, इन द ऑक्टोपस द कलर ऑफ द ब्लड इट इज द ब्लू इन कलर, ब्लूइश इन द कलर। द कलर द ब्लड ऑफ द ऑक्टोपस इट इज द ब्लूइश इन द कलर इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर और द कप्रम इन टू द दैट ब्लड। Due to the presence of the copper into the blood color of the octopus it is the blue. But cockroach में इसमें से कोई भी blood pigment present नहीं होते हैं, उसमें iron भी नहीं है और copper भी नहीं है, उसमें present कोई भी blood pigments नहीं होते हैं, इसलिए color of the cockroach it is the means it having no any color, it is the colorless. It is the colorless. Blood of the cockroach having no any color is the colorless. It is because it do not contain any kind of the blood pigment. Iron भी नहीं है और copper भी नहीं है, इस तरह से blood pigment उसमें present नहीं है, so blood color of the cockroach is the colorless. Cockroach की जो blood circulatory system होती है वो open type of the blood circulatory system होती है। Cockroach having open blood circulatory system. In our body, the blood circulatory system it is of the closed type. We have the closed type of the
blood circulatory system. Open neck of the blood circulatory system is here, जो 13 chamber of the heart होता है कॉकरोच में, वो posterior side को it is closed one. जो 13 chamber heart है वो 13 chamber का heart है वो closed type है, और यहाँ पे it is open one. So blood का flow जो होता है वो posterior region से anterior region की तरफ होता है, यानी कि abdominal region की तरफ से head region की तरफ. और यहाँ पे ब्लड आने के बाद वो हेड रीजन में जाएगा, हेड रीजन में जाने के बाद इट विल गो टुवर्ड द न्यूरल सिस्टम, मींस यहाँ पे पेरी न्यूरल स्पेस होती है, पेरी न्यूरल स्पेस में जाएगा और यहाँ पे इट विल आल्सो एंटर इनटू द पेरी विसरल रीजन. सो एंड अगेन इट एंटर्स इनटू द नियर हार्ट. तो यहाँ पे उसके जो प्रेजेंस है हार्ट का यहां तक है, और वहां से जो है ब्लड इट इज रिलीज एंड इट इज देन सर्कुलेटेड. इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ द क्लोज टाइप, बिकॉज एज वी नो दैट वी हैव द फोर चैम्बर, और हार्ट इट इज द फोर चैम्बर, टू एट्रियम एंड द टू वेंट्रिकल. यहां से जो एओर्टास निकलते हैं, देन आर्टरीज, देन हियर द ब्लड कैपिलरीज. सो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप की है, मीन्स यहाँ पे सर्कुलेशन जो हो रहा है वो एक ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर में है, क्लोज है. यहाँ पे एक बार ब्लड का पंप हुआ तो यहाँ से वो सर्कुलेट हो जाता है, इट इज कॉल्ड द ओपन टाइप ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. लेकिन हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पे आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेंस के माध्यम से ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट अवर बॉडी. सो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन